व्हाट्सअप गाइज, आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिक्सल ओएस के लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 बेस्ड ऑफिशियल अपडेट की हमारे रेडमी नोट 7 प्रो के लिए। इस रोम में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और कैसी परफॉर्मेंस मिलती है, ये सब मैं इस वीडियो में आगे आपको बता दूंगा। अब अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। पिक्सल ओएस वाले इस साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहीं से आप इस रोम को डाउनलोड कर सकते हो और चेंज लॉग भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। ऊपर है सोर्स चेंज लॉग और इसके नीचे जो ओनली चेंज लॉग्स लिखा है वो है आपका डिवाइस चेंज लॉग, तो दोनों को आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करने पर कुछ इस तरीके का विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। रिसेंटली चेंज किए हुए वॉलपेपर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे और लॉन्चर की बात करें तो आपको मिल जाता है पिक्सल लॉन्चर। वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाकर चेंज वॉलपेपर पर टैप करने पर ऑन डिवाइस आपको ये फेदर्स वाले वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से बैक आने पर आपको कम अलाइव वगैरह वाले वॉलपेपर भी मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड एंड अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ से बैक आने पर आपको वॉलपेपर कलर और बेसिक एक्सेंट कलर वाले ऑप्शन मिल जाते हैं। दोनों ही साइड आपको 16 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद डार्क थीम आप इनेबल कर सकते हो, थीम आइकॉन भी वर्किंग है और ग्रिड साइज मिल जाएगा 5x5 तक का। प्री इंस्टॉल्ड कैमरा की बात करें तो इस रोम में आपको मिल जाता है NX कैमरा, बट अभी ये स्टेबल नहीं है। सिंपल फोटोस आप क्लिक कर सकते हो बट यहाँ पे जैसे ही आप पोर्ट्रेट पे टैप करते हो तो यहाँ पे हो जाता है कैमरा एरर और 48MP शॉट्स भी वर्किंग नहीं है। ये दोनों चीज़ें चेंज लॉग में भी मेंशन की गई थी। एक बार कैमरा एरर होने के बाद अगर आप इसे रिसेंट से क्लियर करके फिर से ओपन करोगे तो फिर से आपके सामने सेम सीन ही होगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली बैक आ जाना है, फिर कैमरा ऐप को कर देना है फोर्स स्टॉप। तो जब आप इसे एक बार फोर्स स्टॉप कर दोगे इसके बाद आप इसे ओपन करोगे तो ये अपने नॉर्मल वाले मोड पे आ जाएगा। कैमरा के बाद गूगल फोटोज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज मिल जाएगा। अब चलते हैं सेटिंग्स में, तो यहाँ का UI तो आपको नॉर्मल ही देखने को मिलने वाला है। बॉटम में आपको मिल जाता है टिप्स एंड सपोर्ट, इसके ऊपर मिलता है अबाउट फ़ोन। तो अबाउट फ़ोन में जाकर एंड्रॉयड वर्जन पर टैप करने पर कुछ इस तरीके का सेक्शन आपको देखने को मिलता है। एंड्रॉयड वर्जन मिल जाता है 13, सिक्योरिटी पेज मिलता है अक्टूबर का और जो कर्नल यूज़ किया गया है वो है एज़्योर। सिस्टम में आपको मिल जाता है जेस्चर, यहाँ आपको मिल जाता है स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, फिर 100 मोड। बॉटम में आपको इनेबल एडवांस्ड रिबूट वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। सिस्टम नेविगेशन में जाकर आप 3 बटन या जेस्चर नेविगेशन सिलेक्ट कर सकते हो। 3 बटन्स में आपको इन्वर्ट लेआउट वाला ऑप्शन नहीं मिलता। जेस्चर नेविगेशन में आपको जेस्चर नेविगेशन बार की लेंथ से रिलेटेड ऑप्शन तो नहीं मिलता, बट इमर्सिव नेविगेशन को ऑन कर आप जेस्चर नेविगेशन बार को हाइड कर सकते हो। सिक्योरिटी वाला सेक्शन आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट अनलॉक आपको यहाँ पर मिल जाएगा और फेस अनलॉक तो अभी एंड्रॉयड 13 के लिए आया ही नहीं, और एडवांस्ड सेटिंग्स पे टैप कर ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। डिस्प्ले में जाने पर आपको यूजुअली मिलने वाले ऑप्शंस मिलते हैं। डार्क थीम में जाने पर आपको कोई प्योर ब्लैक या पीच ब्लैक थीम वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद स्क्रीन सेवर में ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप वाले दोनों ही ऑप्शन आपको यहीं पर मिल जाएंगे, दोनों वर्किंग है और बॉटम में एम्बिएंट डिस्प्ले वाला ऑप्शन भी मिलता है। साउंड एंड वाइब्रेशन में साउंड एंड वाइब्रेशन से रिलेटेड ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, पर एक वॉल्यूम कंट्रोल वाला ऑप्शन भी मिलता है और बॉटम में MI साउंड इन्हेंसर भी अवेलेबल है। अब स्टोरेज को चेक कर लेते हैं, तो इस रोम को मैं एक दिन से यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद सिस्टम का साइज़ यहाँ पे 12 GB देखने को मिल रहा है, जो कुछ ही सेकंड्स पहले 13 GB था। बैटरी वाले सेक्शन में जाकर बैटरी परसेंट और टर्न ऑन लाइट वैन चार्जिंग आप इनेबल कर सकते हो। फिर मिल जाता है एडप्टिव प्रेफरेंस, बैटरी सेवर और बैटरी यूसर ग्राफ आपको पिक्सल वाला मिल जाएगा। और रोम के बैटरी बैकअप की बात करें तो FKM के बैटरी मॉनिटर को आप यहां पे चेक कर सकते हो। रोम फ्लैश करने के बाद मैंने थोड़ा ही मिक्स्ड यूज़ किया है। इसके बाद जो एक्टिव ड्रेन है वो देखने को मिल रहा है 13.64%, जो अब हो चुका है 13.63%, और आइडियल ड्रेन है 0.23% पर आवर। QS पैनल को तो आपने नोटिस कर ही लिया होगा, पार्शियल डार्क आपको देखने को मिलता है। फिर वाईफाई और मोबाइल डाटा के लिए आपको यहाँ पर अलग अलग और कंबाइंड दोनों ही टाइप के टॉगल्स मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन में आपको नॉर्मली मिलने वाले ऑप्शंस मिल जाते हैं और एप्स में जाने पर कोई गेमिंग डैशबोर्ड या गेम स्पेस देखने को नहीं मिलता।
अब डिवाइस के सर्टिफिकेशन की बात करें तो डिवाइस आपको बाय डिफॉल्ट सर्टिफाइड मिलता है, बैंकिंग ऐप्स आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद DRM इन्फो को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर वाइड वाइन में सिक्योरिटी लेवल L1 आपको देखने को मिल जाएगा। अब डायलर की बात करें तो इस रोम के साथ जो आपको गूगल वाला डायलर मिलता है उसमें कोई कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं रोम के स्मूदनेस की, तो रोम काफ़ी स्मूथ है, स्मूदनेस से रिलेटेड कोई इशू आपको इस रोम में नहीं आएगा। ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग के एनिमेशंस भी आपको स्मूथ मिलते हैं, ऐप ओपनिंग स्पीड तो चेक कर ही सकते हो, बट रैम मैनेजमेंट से रिलेटेड इशू मैंने इस रोम पे फेस किया। तो जैसा कि आप देख सकते हो इन ऐप्स को अभी मैंने एक ही बार खोला है और जब मैं इन्हें सेकेंड टाइम ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ज़्यादातर ऐप्स फिर से स्टार्टिंग से खुल रहे हैं, मतलब रैम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग इशू यहाँ पर आ रहा है। मिनिमाइज करने पर ऐप्स मेमोरी में ओपन नहीं रहते, वो क्लोज हो जाते हैं। रीसेंट पैनल में नीचे की तरफ आपको स्क्रीनशॉट और सिलेक्ट वाले ऑप्शन मिलते हैं, लेफ्ट कॉर्नर में मिल जाएगा क्लियर ऑल का ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं Geekbench स्कोर्स की, तो स्टॉक वाले कर्नल के साथ यहाँ पर सिंगल कोर स्कोर मिलता है 494 और मल्टी कोर मिलता है 1424। इसके बाद CPU थ्रोटलिंग टेस्ट को 10 मिनट तक स्टॉक कर्नल पर रन करने के बाद कुछ इस तरीके का थ्रोटलिंग ग्राफ और GIPS स्कोर यहाँ पर मिलते हैं, कोई थर्मल थ्रोटलिंग देखने को नहीं मिलती। और भाई इसके बाद गेमिंग तो मैं टेस्ट कर ही नहीं पाया क्योंकि BGMI को यहाँ पर फेसबुक या गूगल किसी से भी लॉगिन करते ही गेम क्रैश हो जाता है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही।